दोस्तों, दुनिया भर में आपने कई सारे धर्मों का नाम सुना होगा, मसलन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी इत्यादि। लेकिन क्या आप लोगों ने तेंगरी धर्म के बारे में सुना है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तेंगरी धर्म के बारे में, जिसमें चंगेज खान और उसके कई अनुयायियों को विश्वास था। तेंगरी धर्म मध्य एशिया में प्रचलित एक शमनवादी धर्म है। इसके केंद्रीय देवता आकाश के प्रभु तेंगरी हैं, और यही कारण है कि इस धर्म में आकाश के लिए बहुत श्रद्धा मिलती है। तेंगरी धर्म में कुलदेववाद और एकेश्वरवाद की विशेषताएं थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें बहुदेववाद भी देखने को मिला। इसके अलावा पूर्वजों की पूजा भी इस धर्म का एक बड़ा हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि कांस्य युग के आसपास इसकी शुरुआत हुई होगी। मंगोलों के अलावा इस धर्म को कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं जैसे हुंस, बुल्गार, तुर्किक और अल्टाइक लोगों द्वारा पालन किया गया था। आज भी मध्य एशिया और उत्तर एशिया में तुआ और साइबेरिया में स्थित ककासिया जैसी जगहों पर तेंगरी धर्म के अनुयायी सक्रिय हैं।